है, पर्सनली मेरा क्या टारगेट है। तीसरा, मैं अपनी टीम में कौन सी वो एक्टिविटीज हैं जिनको कराऊंगा या जिनमें अपने आप को और टीम में बाकी लोगों को इन्वॉल्व करूंगा, चाहे वो कंपनी की वीआईपी हो, चाहे वो हेल्थ वर्कशॉप हो, चाहे वो चैंपियंस डे हो, चाहे वो सीएनटी हो, चाहे वो कोई एलडीपी हो, या कोई भी चीज जो मेरे अपलाइन में हो रही है, कोई मीटिंग या लेट्स से कंपनी की तरफ से कोई इवेंट हो रहा है, तो उसको मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका पार्ट बनाना है। तो एक्टिविटीज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे बिजनेस के अंदर। अगर हम किसी महीने में अपने बिजनेस को पिछले महीने के मुकाबले ज्यादा करना चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि पिछले महीने जितना हमने पीवी अचीव किया था या जो हमने और हमारे लोगों ने जो लेवल्स या इनकम्स अचीव करी थी, अगर उससे ज्यादा बड़े लेवल्स और ज्यादा बड़ी इनकम्स उस महीने अचीव करें, तो माय डियर फ्रेंड्स हमें ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि इस महीने हमारी एक्टिविटीज पिछले महीने के मुकाबले ज्यादा हो। हमारी पर्सनल एक्टिविटीज, हमारे वन टू वन प्लान्स, हमारी होम मीटिंग्स, हमारी ग्रुप एक्टिविटीज, हमारी टीम एक्टिविटीज, राइट। इसके बाद जो अगली चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि यहाँ पर हम बात करते हैं इफेक्टिव मंथ की। एक इफेक्टिव मंथ हम तभी अचीव कर सकते हैं जब हम अपने नेटवर्क के अंदर वीकली टारगेट्स डिफाइन कर रहे हैं। वीकली टारगेट्स, एक होता है मंथली टारगेट, लेकिन उस एक टारगेट तक पहुंचने के लिए हमें ये जरूर डिफाइन करना पड़ेगा अपनी हर एक रिस्पेक्टिव लेग में कि कितना कितना पीवी हमें वीकली करना है, राइट, अपने मंथली टारगेट को अचीव करने के लिए। क्योंकि अगर हम वीकली क्लोजिंग करते चले जाते हैं और वीक बाय वीक अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते चले जाते हैं, तो आई थिंक कोई भी मंथ एंड क्लोजिंग हमारे लिए होगा नहीं रहती, कोई भी मंथ एंड क्लोजिंग हमारे लिए या एक सरप्राइज नहीं मिलता मंथ के एंड में। बहुत बार क्या होता है कि हम मंथ एंड का वेट करते हैं, महीने के आखिरी में 27-28 तारीख को जाकर बहुत सारे लोग एक्टिव होते हैं, वो कहते हैं चल यार अब जोर लगाते हैं कि मंथ एंड के अंदर अच्छा काम करके बिजनेस को इफेक्टिवली क्लोज करें। लेकिन जब पूरा महीना आपके पास पड़ा है, तो क्यों ना एक एक दिन को या एक एक हफ्ते को हम बहुत ही प्रोएक्टिवली यूज करें ताकि मंथ एंड क्लोजिंग हमारी बहुत ही कमाल की, राइट, उसको लेकर हमें चिंता ना हो। और ऑब्वियसली ये तो सिर्फ यहाँ बात सिर्फ अब मंथ एंड क्लोजिंग की नहीं हो रही है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बात तो ईयरली क्लोजिंग की हो रही है। फाइनेंशियल ईयर हम लोग क्लोज करने चाह रहे हैं, तो बहुत बड़ा धमाके के साथ, एक बहुत ही बड़े बैंक के साथ हमने इस साल को क्लोज करना है, राइट। और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि सबसे पहली चीज, आज कौन सी डेट है? आज 2 तारीख है, तो 2 तारीख हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होती है जो इस बिजनेस को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से बिल्ड करना चाहता है और अपने बिजनेस के अंदर एक बेंचमार्क सेट करना चाहता है, अपने डाउनलाइन के लिए एक उदाहरण देना चाहता है कि क्या मेरी खुद की कंसिस्टेंसी आज की डेट में होने वाली है। ये सवाल मुझे आज अपने आप से करना पड़ेगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी कंपनी लॉन्च करती है हर महीना, आपको बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, आज आपके पास ऑलरेडी कुछ समय में आपके पास स्कीम्स आ जाएंगी, और जो स्कीम्स होती हैं उन स्कीम्स में से सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहली स्कीम जो हम 2 तारीख को मंथ के शुरुआत में यूज करते हैं अपने लिए, वो होती है कंसिस्टेंसी। तो आज के समय में, आज की डेट में ये टारगेट अपने आना है कि आज मेरी कंसिस्टेंसी होगी, राइट, और मैं अपनी कंसिस्टेंसी करके अपने इनवॉइस का जो स्क्रीनशॉट है, जो फोटो है, अपने नेटवर्क में, अपने डाउनलाइन में जितने भी लोग हैं सबके साथ शेयर करूं और लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश करूंगा कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है किसी भी व्यक्ति की सफलता के लिए। और लोगों को ये बताऊंगा कि मैंने पहला कदम उठा लिया है, अब आपकी बारी है, राइट। सो डू योर कंसिस्टेंसी एंड प्रमोट। उसके अलावा अब यहां पर कुछ और चीजें जो मैं आपको बताना चाहूंगा जो आगे बढ़ते हुए आपको मदद करेंगी इस महीने को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से अपने बिजनेस को बिल्ड करने में और अपने टारगेट्स को अचीव करने में। उसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि आपने उन लोगों को आइडेंटिफाई करना है जिन्होंने पिछले महीने आपके नेटवर्क में कंसिस्टेंसी करी थी, राइट। जितने भी लोगों ने कंसिस्टेंसी करी है पिछले महीने, उन सारे लोगों की लिस्ट बनाइए,
हो सकता है आपका नेटवर्क बहुत बड़ा हो तो आप इंडिविजुअल लेवल पे अपनी डेप्थ में हर उस व्यक्ति की लिस्ट क्रिएट ना कर पाए जिन्होंने पिछले महीने कंसिस्टेंसी करी थी, बट अगर आप ये टारगेट अपने लिए और अपने जितने भी पोटेंशियल लीडर्स हैं नेटवर्क में जो एक्टिव लीडर्स हैं, अगर वो सारे मिलकर अपने अपनी रिस्पेक्टिव डाउनलाइंस में ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि किस किस ने कंसिस्टेंसी करी थी, तो आई थिंक ऐसे बहुत सारे नाम हमको मिल जाएंगे उन लोगों के जिन्होंने पिछले महीने कंसिस्टेंसी करी थी। आई एम श्योर कि पिछले एक महीने में उनकी कंसिस्टेंसी हो जाने के बाद हमने उनके साथ फॉलो अप भी किया होगा कि उन्हें प्रोडक्ट कैसे लग रहे हैं, क्या उन्होंने प्रोडक्ट इस्तेमाल करने शुरू करे या नहीं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम कंसिस्टेंसी कराने के बाद फॉलो अप नहीं लेते लोगों के साथ, बट आई एम श्योर कि आपने तो वो फॉलो अप किया ही होगा। बट फिर भी मान के चलिए कि जितने भी लोगों ने कंसिस्टेंसी करी है उन सारे लोगों को अप्रोच करना है, राइट, कॉल करना है, बात करनी है उन सबसे, उनको बताना है कि सर आई होप कि आपने पिछले महीने जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करे थे या जो आपने कंसिस्टेंसी अपनी शुरू करी थी उसमें आपको प्रोडक्ट काफी कमाल के लगे होंगे, एंड आई एम श्योर कि आपको प्रोडक्ट अच्छे लग रहे होंगे वेस्टीज के। सो इस महीने अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी ये कंसिस्टेंसी ऑफर है और इसमें आप दोबारा इसका बेनिफिट ले सकते हैं और इस महीने आप और कई प्रोडक्ट्स चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, राइट। तो उन्हें एक बार दोबारा कंसिस्टेंसी के बारे में बताइए। अब जो लोग कंसिस्टेंसी कर रहे हैं उनमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ एज ए कंज्यूमर कंसिस्टेंसी कर रहे हैं, तो अगर कोई एज ए कंज्यूमर कंसिस्टेंसी कर रहा है तो आप उसे कंसिस्टेंसी का फायदा दोबारा एक बार याद दिला सकते हैं और प्रोडक्ट की पावर एक बार दोबारा बता सकते हैं ताकि वो लोग इस महीने भी अपनी कंसिस्टेंसी को कंसिस्टेंट रखें। लेकिन ऐसे बहुत सारे लीडर्स भी हैं जो एक्टिवली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं या एक्टिवली इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं। अगर उन लोगों ने अपनी कंसिस्टेंसी पिछले महीने करी है तो जब आप उनसे बात करेंगे तो उनको आप दो बातें बताएंगे। पहली बात तो आप उन्हें उनकी खुद की कंसिस्टेंसी टाइम से करने के लिए प्रेरित करेंगे, दूसरी चीज आप उनको ये बताएंगे कि यार इस महीने तुमने अपनी कंसिस्टेंसी तो करनी ही करनी है लेकिन उसके अलावा कम से कम दो नई ज्वाइनिंग्स और कराओ 100-100 PV की जो स्कीम है, या 100-100 PV की हम परचेज की बात करते हैं, कि कम से कम दो दो ज्वाइनिंग्स आपको इस महीने और करानी है। मैं एक उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए अगर आपकी टीम के अंदर 10 लोग भी ऐसे हैं जिन्होंने पिछले महीने अपनी कंसिस्टेंसी करी थी और उन 10 में से 5 लोग ऐसे हैं जो एक्टिवली इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, उन 5 लोगों में से अगर हर कोई अपनी अपनी 100 PV की कंसिस्टेंसी करता है तो 500 PV तो ये जनरेट होता है, और उसके अलावा अगर उनमें से हर कोई लेट से दो दो ज्वाइनिंग भी 100-100 PV की कराता है तो 5 × 2 = 10 एंड 10 × 100 = 1000, राइट। तो 1000 PV वहां से जनरेट हो जाता है सिर्फ स्कीम को प्रमोट करके और कंसिस्टेंसी को प्रमोट करके। और आई एम श्योर कि आपको पता है कि आप भी जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं करते अपनी कंसिस्टेंसी, बट लेट्स से कि हमारे नेटवर्क में ऐसे भी कई लोग हो सकते हैं जो 2 की जगह 4 कंसिस्टेंसी या 4 ज्वाइनिंग्स करा दे 100 100 100 PV की। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जब हम जो चीज हम ये एज्यूम ना करें कि लोगों को पता है, एज ए लीडर देखिए हर महीने की नई शुरुआत में हम कई बार बड़े रिलैक्स हो जाते हैं, कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, हम सोचते हैं यार लोगों को पता होगा और वो कर लेंगे अपनी कंसिस्टेंसी हो जाएगी, या उन्हें ऑफर के बारे में भी पता होगा, बेनिफिट जो 100 PV का है जो ज्वाइनिंग पे मिलता है वो भी उनको पता होगा, तो हमें दोबारा दोबारा बताने की क्या जरूरत है। लेकिन क्योंकि महीना नया है और नए महीने में दोबारा जो चीजें लोगों की मदद कर सकती हैं उनको याद दिलाना ये एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, राइट। और जितने भी एक्टिव लीडर्स हैं हमारे नेटवर्क के अंदर, इनफैक्ट जो भी काम करने वाले लोग हैं, उन सबके साथ एक टारगेट डिफाइन करिए कि उन्हें इस महीने कम से कम अपने नेटवर्क में 6 नई ज्वाइनिंग्स और करानी है और अपनी खुद की कंसिस्टेंसी टाइमली करनी है। तो ये एक टारगेट आप ले रहे हैं। देखिए अगर मैं 6 ज्वाइनिंग का टारगेट लेके चल रहा हूं, इनफैक्ट हर उस व्यक्ति के लिए जो मेरे नेटवर्क में एक एक्टिव लीडर है,
तो हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग ऐसे हों जो दो या चार ज्वाइनिंग्स ही करा पाए, लेकिन शायद कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो एक बर्निंग डिजायर रखते हैं अपने अंदर और वो छह से ज्यादा ज्वाइनिंग्स भी करा दें। तो ओवरऑल हमें जो नंबर्स हैं उनको मेंटेन करने हैं, और वो तभी हो पाएगा जब हम अपने और अपने नेटवर्क के लिए एक आइडियल टारगेट नंबर लेके चले, और जिसको मैं बोलता हूँ 6, राइट। तो खुद की सेल्फ कंसिस्टेंसी और मिनिमम 6 ज्वाइनिंग्स हर एक्टिव लीडर के लिए। और आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और अब हम बात करते हैं कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हम इस बिजनेस के अंदर अगर मंथ एंड में अपने लिए और अपने नेटवर्क के लिए कोई सरप्राइज नहीं रखना चाहते, राइट, ओके रंजीत जी, ऑल दी डिटेल्स आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन आर ऐप। सो जो भी आपके बिजनेस को ट्रैक करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वीकली, आई थिंक वो भी आपके बिजनेस को ट्रैक करने के लिए सारी इंफॉर्मेशन आपकी ऐप पे अवेलेबल होती है। तो अगर फिर भी आपका कोई स्पेसिफिक पॉइंट है जो आप क्लियर करना चाहते हैं तो मीटिंग के एंड में वी विल क्लियर दैट पॉइंट, राइट, ओके, थैंक यू। That's what I'm saying, ki, let's just focus on the meeting right now. So, weekly closing, अभी हम बात करेंगे weekly closing के ऊपर। In fact, मैं हमेशा ये भी promote करता हूँ कि आप half month closing भी करें, यानी कि महीने की 12 या 13 तारीख तक आते आते आपको ये भी देखना होता है कि यार अभी तक मैंने हमारी टीम ऑलमोस्ट आधे महीने तक पहुंच चुकी है और इस एक आधे महीने में हमने अभी तक कितना बिजनेस अचीव किया है, या फिर हम अपने टारगेट के क्लोज पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे, राइट। तो महीना जब आधा हो जाता है यानी कि 12-13 तारीख तक भी आपको ये चेक करना होता है कि कितना पीवी हमने किया है अभी तक। उसके अलावा मंथ एंड क्लोजिंग, जैसे कि मैंने कहा कि वो तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती ही है, लेकिन अभी हम बात करेंगे वीकली क्लोजिंग पे, जो कि अभी हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं। हमारे लिए हमारे बिजनेस में कुछ डेट्स जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, वो डेट्स कौन सी होती हैं? सबसे पहले मैं आपको ये डेट्स बताना चाहूंगा कि जब हम वीकली क्लोजिंग की बात करते हैं तो वीकली क्लोजिंग में सबसे पहली जो डेट होती है हमारे लिए वो होती है 2 तारीख, 2 तारीख यानी कि आज की डेट। तो आज क्या करना है 2 तारीख में, सबसे पहले अपनी खुद की कंसिस्टेंसी करनी है। दूसरी चीज चैंपियंस डे, जहां जहां चैंपियंस डे सेलिब्रेट हो रहा है आपकी DLCPs में, आपकी ब्रांचेस में, या अगर ऑनलाइन हो रहा है तो चैंपियंस डे को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है, और आज सुबह से ही अपने नेटवर्क के अंदर देखना है कि कितने लोग चैंपियंस डे सेलिब्रेट करने के लिए नियरेस्ट ब्रांच या नियरेस्ट DLCP पे पहुंच रहे हैं। तो मेक श्योर करिए आपकी या पता करें जल्दी से जल्दी कि कहाँ पे चैंपियंस डे सेलिब्रेट हो रहा है, और जितने भी पिछले महीने के फास्ट स्टार्ट 8% अचीवर्स हैं उन सबको भी इन्फॉर्म करिए कि वो भी चैंपियंस डे का पार्ट बने, ताकि उन्हें वहां पर रिकग्नाइज किया जा सके। और 2 तारीख हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि आज हमें जितनी भी महीने की स्कीम्स हैं उनके बारे में पता चलता है, नई महीने में कौन सी अच्छी स्कीम्स हमारे पास आ रही हैं। तीसरी चीज, ये जो डेट है, इस डेट पर आज के दिन हम अपने इम्पोर्टेंट लीडर्स से बात करेंगे दिन के सेकेंड हाफ में, यानी कि यू नो आफ्टर लंच या शाम से पहले कभी भी, जितने भी आपके नेटवर्क में इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं या एक्टिव लीडर्स हैं आपको उनसे बात करनी है, और उनसे बात करके एक टारगेट डिफाइन करना है। वो कैसे करना है अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस महीने के लिए उनका लेवल को लेकर, अपने लेवल को लेकर और अपने टीम बिजनेस को लेकर क्या टारगेट, राइट। तो ये डेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पे हम टारगेट डिफाइन करते हैं 2 तारीख। अब 2 तारीख के बाद जो अगली डेट हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है माय डियर फ्रेंड्स, वो होती है 7 तारीख। तो पहली बार जब हम अपनी टीम से बात करेंगे, हालांकि देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं तो अपनी टीम में सबसे रोज बात करता हूं, जितने भी एक्टिव लीडर हैं सबको रोज कॉल करता हूँ, उनसे रोज हालचाल पूछता हूँ, रोज उनसे पूछता हूँ कि यार आप कितना पीवी कर रहे हो, आज कितना हुआ, कल कितना हुआ था। बट आई थिंक ये सबकी एक इंडिविजुअल मैं कहूंगा
रिलेशन पे डिपेंड करता है कि आप किस व्यक्ति से कितना क्लोजली कनेक्टेड है और कितनी ऑफन आप किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। बट आइडियली हमें ये पता है कि हमारे नेटवर्क में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बिजनेस को पार्ट टाइम में बिल्ड कर रहे हैं, तो अगर आप उनसे रोज बात ना करके वीकली बात करेंगे तो आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज गुड। और लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो पूरे महीने अपने नेटवर्क में एक्टिव लीडर्स के साथ बात ही नहीं करते। वो कहते हैं सर हमारी तो एक भी बार बात नहीं होती, हम तो सीधा मंथ एंड में बात करते हैं। तो आइडियली कंपनी आपको ये सजेस्ट करती है कि आप अपने डाउनलाइन में जितने भी एक्टिव लीडर्स हैं, जितने भी पोटेंशियल लीडर्स हैं, चाहे वो आपके इमीडिएट डाउनलाइन में हो या आपके डाउनलाइन के डाउनलाइन में हो, आप उन सब से वीकली बात करने के लिए, कम से कम वीक में एक बार तो बात करें ही करें इस चीज पे कि पिछले महीने की प्रोग्रेस क्या रही और आने वाले महीने का, सॉरी पिछले हफ्ते की प्रोग्रेस क्या रही, लास्ट वीक की प्रोग्रेस क्या रही और आने वाले वीक का क्या टारगेट है। तो 7 तारीख को जब हम बात करेंगे, अब 7 तारीख को ही क्यों बात करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली एक हफ्ता लगभग हो चुका होता है महीने की शुरुआत हुए हुए, और 7 तारीख तक आते आते हम ये भी देख पाते हैं कि हमारे नेटवर्क में अभी तक कितने लोगों ने कंसिस्टेंसी कर ली है, या डाउनलाइन जिससे हम बात करने वाले हैं उसने कंसिस्टेंसी करी है या नहीं करी है, अभी तक उसका कितना पीवी अचीव हुआ है। एंड 7 तारीख को जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोगों से ये भी जरूर बात करनी होती है कि आने वाले कुछ और दिनों की क्या प्लानिंग है, क्योंकि 7 तारीख से लेकर 12 तारीख तक हमें और ज्यादा लोगों को कंसिस्टेंसी करने के लिए प्रेरित करना होता है। वी हैव टू सी कि कितने लोग अभी भी ऐसे हैं टीम के अंदर जिन्होंने अभी तक कंसिस्टेंसी नहीं करी है, अपनी खुद की कंसिस्टेंसी नहीं करी है, तो कैसे उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंसिस्टेंसी को लेकर प्रेरित किया जा सकता है या कंसिस्टेंसी को प्रमोट किया जा सकता है। तो 7 से लेकर 12 तक ऑब्वियसली 12 तारीख तक की प्लानिंग हम 7 तारीख को करते हैं और पिछले हफ्ते का बिजनेस रिव्यू करते हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण डेट होती है जो कि हम लोग आमतौर पे आपको सजेस्ट करते हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि ये डेट्स कोई पत्थर की लकीर है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किन, हो सकता है कि महीने के बीच में कोई और त्योहार पड़ जाए या कोई लेट्स से कोई जैसे इस महीने 8 तारीख को होली पड़ रही है, तो होली से एक दिन पहले बात आप काफी लोगों से कर भी सकते हैं, कुछ लोगों से अगर मान लीजिए कोई ट्रेवल कर रहा है तो कोई बात नहीं, आप उससे 6 तारीख को बात कर सकते हैं या 9 तारीख को बात कर सकते हैं, तो इट कैन बी क्वाइट फ्लेक्सिबल, राइट। तो 14 तारीख को जब आप बात करेंगे किसी व्यक्ति से तो आप ये देखेंगे कि बॉस अभी तक कितना बिजनेस हुआ, अब ऑलरेडी यहाँ पे हम हाफ मंथ क्लोजिंग पे आ चुके हैं, लगभग 15 दिन बीत चुके होते हैं, आप ये देखते हैं कि कितने लोगों ने कंसिस्टेंसी करी बिजनेस के अंदर, कितने लोगों की परचेज हुई, और अब 14 तारीख के बाद आने वाले कुछ दिनों की, आने वाले 3 दिन बड़े क्रूशियल हैं, 15, 16, 17, क्योंकि 17 तारीख को रीपर्चेस क्लोजिंग होती है, तो 14 से लेकर 17 तक हमने जितनी भी रीपर्चेस स्कीम्स है मंथ की उनको हमने प्रमोट करना है, जो 17 या 18 तारीख तक के लिए वैलिड है उनको हमने प्रमोट करना है, और ये देखना है कि अगले 3 दिनों में कैसे हम अपनी एक्टिविटीज और ज्यादा बिल्ड कर सकते हैं टीम के अंदर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी रीपर्चेस करें और पीवी को और इंक्रीज करें अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए, राइट। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट इसके बाद होती है 21 तारीख। अब 14 से लेकर 21 तक 17-18 तक आप रीपर्चेस पे काम करते हो, अगले 2 दिन में आप अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करते हो, और 21 तारीख को आप मंथ एंड क्लोजिंग की तैयारी करना शुरू कर देते हो, राइट। मंथ एंड क्लोजिंग ऑब्वियसली अभी तो काफी दिन पड़े हैं क्लोजिंग में, लेकिन फिर भी 20 या 21 तारीख तक हमारे पास कुछ और नई स्कीम्स आ जाती हैं। ये वो स्कीम्स होती हैं जो मंथ के एंड तक या एक पर्टिकुलर डेट तक, जैसे मान लीजिए कुछ ऑफर्स होती हैं जो 25 तारीख तक वैलिड होती हैं, कुछ ऑफर्स होती हैं जो मंथ एंड तक वैलिड होती हैं, तो उनको कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं। और दूसरी चीज 21 तारीख को हमने ये देखना शुरू कर देना होता है कि अभी तक अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए लोगों को कितना और पीवी करने की जरूरत है। हो सकता है मेरे नेटवर्क में कोई व्यक्ति बैठा हो जो अभी 8% पे है, लेकिन अगर वो सिर्फ
इस महीने अपना 200 पीवी और अचीव कर ले, 100-100 पीवी की दो ज्वाइनिंग्स और करा दे, लेट्स से सॉरी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीवी और कर ले, 200 नहीं, आई थिंक आई वाज मूविंग फ्रॉम 5 to 8%, बट अगर आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीवी कर ले तो आप अपने लेवल को अचीव कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं. तो यू हैव टू सी कि सामने वाले व्यक्ति को कितना और पीवी करने की जरूरत है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए. 5% पे कितने लोग बैठे हैं, 8% पे कितने लोग बैठे हैं, 10% पे कितने लोग बैठे हैं टीम में अभी फिलहाल, कितने ऐसे लोग हैं जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं और इस महीने थोड़ा पीवी और करके टीम बिल्डिंग बोनस अचीव कर सकते हैं, या फिर अपने नीचे एक व्यक्ति को क्वालिफाई करा के ब्रॉन्ज डायरेक्टर सिल्वर लेवल अचीव कर सकते हैं. तो आपको ये देखना है कि लोगों को अपना लेवल चेंज करने के लिए या अपना लेवल मेंटेन करने के लिए कितना और पीवी करने की जरूरत है, ताकि मंथ के एंड में हमारे पास कोई भी सरप्राइजेस ना हो, राइट. तीसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 21 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, 31 तारीख तक जितनी भी नई ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, हमने उन सारी ज्वाइनिंग्स में ज्यादा से ज्यादा लोगों को फास्ट स्टार्ट 8% कराने की कोशिश करनी है, राइट. मान लीजिए कोई व्यक्ति आखिरी के 10 दिनों में, महीने के 10 दिनों में अगर ज्वाइन करके पहले ही महीने में अपना फास्ट स्टार्ट 8% अचीव कर लेता है, तो आई थिंक वो उस व्यक्ति के लिए भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है कि यार मुझे वाउचर मिल गया पहले ही महीने में और मैंने अपने लेवल को जंप कर लिया, मतलब आई हैव टेकन अ लीप. तो अगले महीने आप उस व्यक्ति से ज्यादा अच्छा बिजनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर वो पहले ही महीने में एक इंसेंटिव पा लेता है कंपनी के माध्यम से इन द फॉर्म ऑफ फास्ट स्टार्ट 8%, राइट. ये हमें नहीं भूलना चाहिए. एक और बात जो मैं यहाँ बताना चाहूंगा, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो लोग सेम मंथ में ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए कंसिस्टेंसी 12 तारीख के बाद भी वैलिड होती है. मान लीजिए जो भी लोग इस महीने में मार्च में ज्वाइन करेंगे उनके लिए कंसिस्टेंसी मंथ एंड तक वैलिड है. तो जितनी भी ज्वाइनिंग्स हो रही हैं उनको हमने कंसिस्टेंसी के बारे में बताना है, इवन यू नो 21st या उसके बाद भी, और फर्स्ट इनवॉइस ऑफर्स जो होती हैं उनको प्रमोट करना है, ज्वाइनिंग ऑफर्स को प्रमोट करना है. अब 21 से लेकर 28 तक आप बहुत ही एक्टिवली बिल्ड कर रहे हैं बिजनेस को, 28 तारीख तक आते आते, अब 28 तारीख मैं फरवरी के महीने की तो बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं किसी भी नॉर्मल मंथ की जहां पे 30 या 31 का महीना होता है और 1 तारीख तक हमारे पास मंथ एंड क्लोजिंग, यानी कि 4 से 5 दिन हमारे पास बचे रहते हैं मंथ को इफेक्टिवली क्लोज करने के लिए. तो 28 तारीख तक आते आते हमने ये देखना होता है कि यार कितना और पीवी बाकी रह गया है अभी तक लोगों के लेवल्स को अचीव करने के लिए या लेवल को मेंटेन करने के लिए. तो जो भी आपके बिजनेस में कमी पेशी रह रही होती है उसे आप 28 तारीख से लेकर 1 तारीख तक फुलफिल कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज को प्रमोट करके ज्यादा से ज्यादा फील्ड वर्क टीम वर्क, 28 तारीख के बाद हमने टीम वर्क ज्यादा करना होता है, कोऑर्डिनेट करना होता है, बात करनी होती है, फॉलो अप्स करने होते हैं, डाउनलाइन से बात करनी होती है, राइट, ऑफर्स के बारे में प्रमोट करना होता है लोगों को, उनके टारगेट्स के लिए कितना और पीवी उनको और चाहिए, कैसे वो उसे अचीव कर सकते हैं, ये 28 तारीख ऑनवर्ड्स हमको देखना शुरू कर देना होता है. तो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट डेट्स. इसके अलावा अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब मैं मंथ की प्लानिंग कर रहा हूं तो मुझे ये देखना है कि मैं अपना मंथ किन लोगों के साथ प्लान कर रहा हूं, टारगेट किन लोगों के साथ डिफाइन कर रहा हूं. जैसे मैं अगर ये कहूं कि मेरी टीम में 100 लोग हैं तो क्या 100 के 100 लोगों के साथ में एक टारगेट डिफाइन करूंगा? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कंज्यूमर्स हैं, जो सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं बट एक्चुअली वो बिजनेस को एक्टिवली बिल्ड नहीं कर रहे हैं. तो आपको अपने नेटवर्क में बिजनेस बिल्डर्स को आइडेंटिफाई करना होता है, पोटेंशियल लीडर्स को आइडेंटिफाई करना होता है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, लेकिन उन्होंने, लेट्स से जिन लोगों ने पिछले महीने थोड़ा अच्छा काम किया है या जो इस महीने काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं जो लोग आपको, उनके साथ मंथ के शुरू में आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन वो लोग हैं जिनके साथ मैं वीक मंथली प्लानिंग करूंगा या जिनके साथ में एक टारगेट डिफाइन करूंगा इंडिविजुअल लेवल पे, जो कि टीम टारगेट को अचीव करने में मदद करे हमारी. मैं फिर उस बात को दोबारा दोहराऊंगा कि कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर पोटेंशियल है,
वो आपकी कोर कमेटी का हिस्सा हो सकता है। तो हर नेटवर्क के अंदर एक कोर कमेटी होती है। कोर कमेटी मतलब कि वो की लीडर्स जिनके साथ मिलकर इस महीने हमने अपने टीम के टारगेट्स को अचीव करना होता है। अब जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति को मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ अपने नेटवर्क के अंदर वो मेरा इमीडिएट डाउनलाइन हो, वो हो सकता है मेरे डाउनलाइन का डाउनलाइन भी हो, राइट। और यहाँ पर अब मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहूंगा, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। आमतौर पर ये चार्ट मैं लाइव नहीं दिखाता हूँ लोगों को, बट यहाँ पे आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू ताकि आप इस तरीके का एक चार्ट अपने लिए बिल्ड कर सकें अपने नेटवर्क के लिए, और इस महीने आप एक बहुत ही पावरफुल तरीके से अपने मंथ की शुरुआत कर सकें। तो इसको हम बोलते हैं DBR, आमतौर पर डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस रिपोर्ट, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस रिपोर्ट क्या होती है? ये एक ऐसा टूल है जो कि कभी भी आपके बिजनेस को ऑफ ट्रैक नहीं जाने देगा, इनफैक्ट हर समय आपके बिजनेस को ट्रैक पर रखने का काम करेगा। और जो भी आप अपने लिए और अपने डाउनलाइंस के लिए टारगेट डिफाइन कर रहे हैं उन टारगेट्स को अचीव करने में आपकी मदद करेगा। तो लेट्स से कि ये जो महीना है कौन सा महीना है, ऑब्वियसली दिस इज द मंथ ऑफ मार्च। तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, जैसे आज 2 तारीख है, तो मैं ये आइडेंटिफाई करूंगा कि इस महीने कौन से वो लोग हैं मेरे नेटवर्क के अंदर जिनके साथ मिलकर मैं इस बिजनेस को इफेक्टिवली बिल्ड करना चाहता हूँ। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो हमारे डेप्थ में भी हो सकते हैं लीडर, और मुझे कम से कम अपने नेटवर्क में 7 से 8 या 8 लोग मिनिमम आइडेंटिफाई करने हैं जिनके साथ मेरे को इस बिजनेस को इस महीने बिल्ड करना है या जिनके साथ मुझे उनके मंथली टारगेट्स डिफाइन करने हैं। तो लेट्स से अगर मैंने 8 लोग आइडेंटिफाई करे हैं अपने नेटवर्क में तो मेरे को 8 ऐसे चार्ट्स बनाने पड़ेंगे, राइट, 8 या 9 जितने भी लोग मैंने आइडेंटिफाई करे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए हर पोटेंशियल लीडर के लिए आपको एक अलग चार्ट बिल्ड करना होता है, राइट। तो ऐसे ही चार्ट प्रॉपरली आपको रजिस्टर में बनाने होंगे जहां पे आपको ऐसा पूरा फॉर्मेट ड्रॉ करना होगा। तो सबसे पहले हम अगर सबसे ऊपर वाली लाइन देखें तो सबसे पहले हमने उस व्यक्ति का नाम लिखना होता है जिसके साथ हम इस महीने बिजनेस को बिल्ड करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है जिसका नाम है विजय, तो मैंने उनका नाम लिखा। कौन से महीने की प्लानिंग कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स? हम मार्च मंथ की प्लानिंग कर रहे हैं, तो मैंने वहां मंथ भी लिख लिया मार्च 2023। अब यहाँ पे मैं एक और चीज लिखूंगा, लास्ट मंथ लेवल, कि इस व्यक्ति का पिछले महीने का लेवल क्या था। आई थिंक ये लेवल क्या था ये मेरे को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ऐप के माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति का बिजनेस और लेवल चेक कर सकते हो कि लास्ट मंथ इस व्यक्ति ने क्या लेवल अचीव किया था। हो सकता है वो व्यक्ति 5-8% पे हो पिछले महीने या 10% पे हो, बट मेरा आपको ये सजेशन है कि अगर आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं तो आपको अपने नेटवर्क में जितने भी 8 से लेकर 10% के लोग हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करना होता है और उनके साथ टीम को बिल्ड करने बिजनेस को बिल्ड करने की प्लानिंग करनी होती है। अगर आप खुद 11% पे हैं तो 8 से लेकर 10% के जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करिए, या 5% पे जो लोग हैं उनमें से जिन लोगों में पोटेंशियल है बिजनेस को बिल्ड करने का या अपने लेवल्स को चेंज करने का उनको आइडेंटिफाई करिए, उनके साथ प्लानिंग करिए। तो अपने से नीचे जो भी 2 या 3 डेप्थ पे जो लोग हैं, लेवल्स पे जो लोग हैं, राइट, उनको आपने आइडेंटिफाई करना होता है। और लेट्स से कि मैंने एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया जिनका नाम है विजय, इनका पिछले महीने का लेवल था ब्रॉन्ज, और इस महीने अब इनका टारगेट लेवल क्या होना चाहिए वो मैं लिखूंगा। अब ये जो टारगेट लेवल है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एज एन अपलाइन आप कभी भी अपनी मर्जी से किसी का टारगेट डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब मैं कोई भगवान नहीं हूं कि मैंने अपने आप से सोच लिया कि इन्होंने पिछले महीने ब्रॉन्ज करा था चलो इस महीने इनको सिल्वर करा देते हैं। क्या आपको लगता है ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है, बिकॉज यू नो पिछले महीने जो उसने लेवल किया था और जितना उसने पीवी अचीव किया था, लेकिन इस महीने इसका लेवल क्या होगा और कितना टारगेट पीवी होगा इस व्यक्ति का, ये दोनों चीजें डिफाइन करने के लिए मुझे इस व्यक्ति से बात करनी पड़ेगी 2 तारीख को, यानी कि आज। तो आप जब अपने डाउनलाइन से बात करोगे या जिसकी भी आप DBR बना रहे हो, आपने सबसे पहले तो उस व्यक्ति को कंग्रेचुलेट करना है पिछले महीने के बिजनेस के लिए, पिछले महीने की मंथ एंड क्लोजिंग के लिए उसको अप्रिशिएट करना है,
कि यार पिछले महीने आपने बड़ा अच्छा काम किया एंड आई थिंक आपने अपना 100% दिया, इसी तरीके से अगर काम करते रहोगे तो आप बहुत अच्छे से इस बिजनेस को सफलता पूर्वक बिल्ड कर पाओगे अपने लिए। तो विजय, मैं देख पा रहा हूँ कि पिछले महीने तुमने ब्रॉन्ज लेवल अचीव किया था। अब मैं विजय से बात कर रहा हूँ, राइट? और मैं ये पूछना चाहूंगा तुमसे कि इस महीने तुम अपना लेवल क्या करना चाहोगे, तुम्हें क्या लगता है, तुम ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल अचीव करना चाहोगे, मेंटेन करना चाहोगे, या फिर अपना लेवल चेंज करना चाहोगे? तो मुझे ये भी देखना है कि विजय ने पिछले महीने कितना पीवी किया था। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि विजय ने पिछले महीने 3500 पीवी किया था, राइट? इसका मतलब ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल पे टीम बिल्डिंग बोनस अचीव कर चुका है। अब यहाँ पे पहले मुझे विजय की बात सुननी है। अगर वो कहते हैं मैं अपना लेवल सेम रखना चाहूंगा तो एक अलग बात है, राइट? तो मुझे उनको सजेस्ट करना है कि यार मेरे हिसाब से आप ऑलरेडी टीम बिल्डिंग बोनस अचीव कर चुके हो, क्यों ना आप अपना लेवल चेंज करो और इस महीने आप सिल्वर लेवल क्वालिफाई करो। तो अपना सजेशन दिया जा सकता है, लेकिन अपना सजेशन देने से पहले सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या है वो जान लेना बहुत जरूरी है, राइट? अब मान लीजिए वो कहते हैं नहीं मैं अपना लेवल चेंज करना चाहूंगा, सिल्वर करना चाहूंगा। वेल एंड गुड, वेरी गुड, आई थिंक ये आप बिल्कुल कर सकते हो, डिजर्व करते हो, क्योंकि आपने पिछले महीने बहुत अच्छा काम किया है। तो हम टारगेट लेवल में लिख देंगे सिल्वर, जो भी हमने म्यूचुअल डिस्कशन के आधार पे डिस्कस किया। उसके बाद हम बात करेंगे टारगेट पीवी पे कि अब आपको क्या लगता है आप कितना पीवी करना चाहोगे। अब मान लीजिए विजय कहते हैं सर मैं 4000 पीवी कर लूंगा, या आप 3000 पीवी, 3500 पीवी कर लूंगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, देखिए सामने वाले व्यक्ति को अपनी क्षमता पे भरोसा नहीं होता या अपनी क्षमता नहीं पता होती, लेकिन एज एन अपलाइन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम सामने वाले व्यक्ति की क्षमता को पहचानने का काम करें। जब आपको ऑलरेडी दिख रहा है, नजर आ रहा है कि इस व्यक्ति ने पिछले महीने काफी अच्छा काम किया है, राइट? तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति इस पिछले महीने के कंपैरिजन में इस महीने और अच्छा काम कर सकता है, उसके अंदर क्षमता है। तो आप उनको बोल सकते हैं कि सर क्यों ना हम इस महीने थोड़ा और पीवी टारगेट करें। क्या आपको लगता है हम लगभग 5625 के आसपास पीवी कर सकते हैं, लगभग उतना किया जा सकता है उसके क्लोज? तो अगर वो अग्री करता है, वेल एंड गुड। तो जो भी आप टारगेट डिफाइन कर रहे हैं अपने डाउनलाइन के लिए, वो आप उससे डिस्कस करके, उसे मोटिवेट करके और उसको उसकी क्षमता को पहचान के आप वो टारगेट डिफाइन करें। लेट्स से आप दोनों ने म्यूचुअल डिस्कशन के आधार पे एक टारगेट पीवी लिया 5700 पीवी। तो यहाँ सिर्फ एक फॉर्मेट है जो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। अब हमने महीने की शुरुआत में यानी कि 2 तारीख को ऑलरेडी टारगेट डिफाइन कर लिया। अब हम देखेंगे, चैंपियंस डे हो गया, स्कीम्स के बारे में पता चल गया, उसमें अपनी कंसिस्टेंसी कर ली, आपने अपनी कंसिस्टेंसी कर ली, राइट? और मोमेंटम हमने सेट कर दिया। अब मोमेंटम सेट तो कर दिया, लेकिन अब इस मोमेंटम को बिल्ड करने के लिए और मेंटेन करने के लिए हमने पहली बार इनसे बात करनी होगी 7 तारीख को, जैसे मैंने आपको बताया था। तो जब आप 7 तारीख को विजय जी का को कॉल लगाओगे, उनको कॉल लगाने से पहले ये, इनफैक्ट ये डीबीआर मैंने आपको बताया अपने नेटवर्क में हर उस व्यक्ति के लिए बनानी है जिसके साथ मिलकर आप इस महीने के लिए बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हो। तो 7 तारीख को आपने ये देखना है, इससे पहले कि मैं इनको कॉल करूं कि पिछले महीने की 7 तारीख को इन्होंने कितना पीवी अचीव किया था। अब ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये ऑलरेडी आपकी एप्लीकेशन पे आपको दिख जाता है। आप किसी भी अपने नेटवर्क में जिन लोगों को आपने स्टार किया हुआ है, अपने लीडर्स को स्टार ऑप्शन आता है ना अपने लीडर्स के बिजनेस को ट्रैक करने के लिए, तो आप खुद से पूछिए आपने कितने लोगों को स्टार किया हुआ है। पटलेट से कि आपने विजय जी को स्टार किया हुआ है और आप ये देखते हैं कि इनका पिछले महीने का जो पीवी था 7 तारीख तक वो 1100 था, और इस महीने की 7 तारीख तक इन्होंने 1900 पीवी किया है। तो आई थिंक ये बहुत गुड न्यूज है। अब आप ये बिजनेस चेक करने के बाद आप विजय को कॉल करोगे और उनको सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करोगे कि विजय वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैं देख पा रहा हूँ कि पिछले महीने की 7 तारीख से इस महीने की 7 तारीख के को हमने ज्यादा पीवी किया है, लगभग 800 पीवी ज्यादा किया है। तो विजय, आई एम श्योर कि आप इस पीवी को मेंटेन करोगे और बहुत अच्छा काम आप आगे भी करते रहोगे। लेकिन मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा विजय, तो यहाँ पे हमने विजय से एक सवाल करना है कि विजय आप मुझे ये बताइए कि इस हफ्ते
जो ये पीवी में इंक्रीज हुआ है पिछले महीने की 7 तारीख के कंपैरिजन में, इस इंक्रीज को करने में या इस बिजनेस के ग्रो करने में आपकी टीम में कौन से वो लोग हैं या कौन वो व्यक्ति है जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है? अब आप आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि हम एक पोटेंशियल लीडर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन वो व्यक्ति है जो आपके नेटवर्क में है जो अच्छा काम कर रहा है। अभी तक शायद मैं विजय को जानता था, लेकिन उनके नेटवर्क में किसी और व्यक्ति से मेरा इतना अच्छा कनेक्ट नहीं था। अब विजय मेरे को बताते हैं कि सर ठीक है, मैं चेक करता हूँ कि कौन वो व्यक्ति है। और विजय ने मुझे बताया कि सर मेरी टीम में मुकेश जी हैं जिन्होंने पिछले महीने ही ज्वाइन किया है और उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। इस एक हफ्ते में उन्होंने कंसिस्टेंसी को काफी प्रमोट किया, खुद की कंसिस्टेंसी भी टाइमली करी और बहुत ही एक्साइटेड होकर काम कर रहे हैं। और अब यहाँ पर मैं मुकेश का के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करूंगा विजय से कि वो किस फील्ड से हैं, क्या करते हैं, उनका प्रायर एक्सपीरियंस क्या है। और अब मैं मुकेश जी को कॉल करूंगा, राइट, मैं उनका नंबर ले लूंगा विजय जी से और मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा फोन करके। उनको बोलूंगा, मुकेश जी गुड मॉर्निंग, मैं आपके अपलाइन का अपलाइन बोल रहा हूँ, मैं सिद्धार्थ बोल रहा हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपके बारे में मुझे पता चला कि आप जैसे लोग हमारी टीम का पार्ट बन रहे हैं। और आई वुड रियली वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू कि पिछले हफ्ते हमारी टीम में आपने बहुत अच्छा काम किया इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। और जो भी सपोर्ट आपको मेरी तरफ से चाहिए वो प्लीज मुझे बताइए। या सबसे पहले तो आप उनसे एक चीज जानने की कोशिश करिए कि मुकेश जी आपने क्या किया या किस या तो आई थिंक सबसे पहले तो हमें यही जानना है कि मुकेश जी आपने क्या किया। क्योंकि देखिए, हो सकता है कि सामने वाला शायद कोई एक पर्टिकुलर चीज कर रहा हो या कोई काम किसी एक तरीके से कर रहा हो जो या तो बहुत अच्छा हो या शायद सही ना हो, राइट। सो आई हैव टू आइडेंटिफाई कि किन किन चीजों के करके उस व्यक्ति को रिजल्ट मिल रहे हैं। हो सकता है वहां से हमें कुछ सीखने को मिल जाए। तो सामने वाले व्यक्ति से जिसको आप कॉल कर रहे हो, जो भी आपका पोटेंशियल लीडर है, उससे पूछिए सर आपने क्या किया इस हफ्ते ताकि आप जिससे आप इतना अच्छा काम कर पाए। और उसके बाद उस व्यक्ति को ये पूछिए कि आपको हमारी तरफ से क्या सपोर्ट चाहिए, जिससे आपको लगता है कि आप और अच्छा काम कर पाएंगे। अगर कोई भी सपोर्ट चाहिए प्लीज लेट मी नो। तो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है कि उसको क्या सपोर्ट चाहिए। हो सकता है आप उनसे पूछिए क्या उन्होंने अभी तक वीआईपी अटेंड करी है, क्या उन्होंने अभी तक हेल्थ वर्कशॉप अटेंड करी है। अगर नहीं करी है तो आपने उनको वीआईपी या हेल्थ वर्कशॉप अटेंड करानी है। या मान लीजिए सामने वाला अपने आप से ही कहता है कि जी मेरे को अभी तक हेल्थ केयर प्रोडक्ट की इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है या आई डोंट नो मच अबाउट प्रोडक्ट, हालांकि मैं काम तो कर रहा हूँ लेकिन मैं प्रोडक्ट के बारे में और जानना चाहूंगा। तो आपने क्या करना है, आपने एक्टिविटी प्लान में लिखना है हेल्थ केयर प्रोडक्ट सेशन। तो आपको सबसे पहला काम उनके साथ टूल्स शेयर करने हैं, हेल्थ गाइड, प्रोडक्ट कैटलॉग, मेक श्योर करना है, उनसे पूछना है क्या उनके पास हेल्थ टूल्स हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, क्या उन्होंने अभी तक वेस्टीज के यूट्यूब पेज को सर्च करना शुरू किया, क्योंकि वहां पर बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मिल जाती है। जो भी नियर बाय हेल्थ वर्कशॉप हो रही है मैंने उनको उस हेल्थ वर्कशॉप का पार्ट बनाना है। कोई भी अगर मीटिंग हो रही है जहां पर प्रोडक्ट के बारे में बात होने वाली है, जूम लिंक या ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, मुझे उसका उनको लिंक भेजना है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप आउट ऑफ द वे जाके अपने डाउनलाइन के डाउनलाइन को भी प्रेरित कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो। इनफैक्ट आप उनको भी ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो आपको क्या लगता है, अगर मैं अपने डाउनलाइन के डाउनलाइन में जाकर उस व्यक्ति को भी प्रेरित करूंगा जो मेरी सेकेंड या थर्ड डेप्थ में है, या मैं उससे जानने की कोशिश करूंगा कि यार आप को हमारी तरफ से क्या सपोर्ट चाहिए, मैं और विजय मिलकर आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, राइट। तो डोंट यू थिंक कि वो व्यक्ति और ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। मैं यहाँ फाइनेंशियल सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं उन एक्टिविटीज के सपोर्ट की बात कर रहा हूँ जो एक्टिविटीज उस व्यक्ति को उसके बिजनेस को और अच्छे से बिल्ड करने में मदद कर सकती है। अब यहाँ पर हमने पहले हफ्ते एक पोटेंशियल लीडर को आइडेंटिफाई कर लिया और अब हम अगले हफ्ते की तरफ बढ़ते हैं। ऑब्वियसली मुकेश जो है वो अगले हफ्ते और अच्छा काम करेंगे, बट लेट्स से नेक्स्ट वीक 14 तारीख को हमने ये देखना है कि 14 तारीख को पिछले महीने की 14 तारीख तक कितना पीवी हुआ था।
पिछले महीने की 14 तारीख को लेट्स से 1200 पीवी हुआ था 14 फरवरी तक, और इस महीने की 14 तारीख तक कितना पीवी हुआ है? 1100 पीवी। तो जो पीवी आप देख रहे हैं ये क्यूम्यूलेटिव पीवी नहीं है। 14 तारीख को जो 1200 लिखा है ये 2 से लेकर 14 तारीख तक का पीवी नहीं है, ये 8 से लेकर 14 तारीख तक का पीवी यहाँ लिखा हुआ है। और आप ये पीवी कहाँ से ले सकते हैं? ऑब्वियसली ये पीवी आप कितना पीवी हो रहा है वीकली, ये आप अपनी एप्लीकेशन पे हमेशा ट्रैक कर सकते हैं। इन योर यू नो इन योर मोबाइल ऐप आप हमेशा देख सकते हैं, अपने डाउनलाइन का बिजनेस ट्रैक कर सकते हैं वीकली, राइट। नाउ 14 तारीख को आपने देखा कि विजय के नेटवर्क में, विजय जी की टीम में 1200 पीवी हुआ था, और इस महीने की 14 तारीख तक सिर्फ 1100 पीवी हुआ है, 8 से लेकर 14 तारीख तक। अब यहाँ पे ऑब्वियसली जितना हमने एक्सपेक्ट किया था शायद उससे थोड़ा कम ही हुआ है, बट कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप विजय जी को कॉल करेंगे, उनको फिर दोबारा यू नो कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, उनकी उनको अप्रिशिएट अप्रिशिएट करेंगे इस एक हफ्ते के एफर्ट्स के लिए कि आपने इस हफ्ते भी काफी अच्छा काम किया। विजय जी से एक चीज जरूर पूछनी है कि विजय जी मैं देख पा रहा हूँ कि यू नो इस महीने हमने 14 तारीख तक 1100 पीवी किया है 8 से 14 में, बट मुझे एक बात बताओ कि आपने कितना पीवी का टारगेट लिया था अपने लिए? अब ये सवाल आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि ऑब्वियसली आपको भी पता है और विजय को भी पता है कि पिछले महीने की 14 तारीख तक 1200 पीवी हुआ था और अभी हमने सिर्फ 1100 किया है, तो आप ये नहीं बोल रहे हो कि पीवी कम क्यों हुआ। देखिए कोई भी बात नेगेटिव तरीके से कहोगे तो सामने वाला व्यक्ति मोटिवेट होने की जगह डिमोटिवेट हो जाएगा, वो तो कहेगा यार अपलाइन तो कमी ही निकाल रहा है मेरे अंदर। तो उसको ये मत बोलो कि पीवी कम क्यों हुआ, उनको बोलो यार ये बताओ कि आपने कितना पीवी प्लान किया था। अब मान लीजिए यू नो वो कहते हैं मैंने तो 1100 ही किया था, तो आप उनको बोल सकते हैं कि सर आई थिंक थोड़ा सा हमें इसका ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि पिछले हफ्ते तो पिछले महीने की 14 तारीख तक तो आप 1200 पीवी कर चुके थे, तो आई एम श्योर कि हम आगे और अच्छा बिजनेस कर सकते हैं क्योंकि हम इससे भी ज्यादा करने की क्षमता रखते हैं। बट लेट्स से अगर वो व्यक्ति कहता है सर मैंने प्लान तो 1400 या 1500 पीवी किया था इस हफ्ते लेकिन हुआ सिर्फ 1100 पीवी है, नाउ आप क्या करना है? आपने उस व्यक्ति को पूछना है कि अच्छा आपने 1400 पीवी किया था प्लान, वेल एंड गुड, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो जो एक्स्ट्रा 300 पीवी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने नेटवर्क में 14 तारीख तक, वो 300 पीवी कहाँ से आना था या किस व्यक्ति के थ्रू आपने अचीव करना था जो नहीं हुआ, राइट। तो अब हम ये नहीं पूछ रहे कि वो 300 पीवी क्यों नहीं हुआ, आप ये पूछ रहे हो कि वो जो एक्स्ट्रा पीवी जितना भी आपने प्लान किया था वो कहाँ से आना था और यू नो जो नहीं आया। अब मान लीजिए वो हो सकता है कि शायद विजय जी ने भी अभी तक ये आइडेंटिफाई ना किया हो, लेकिन जब आप उनको प्रेरित करेंगे तो वो आइडेंटिफाई करेंगे, वो फाइंड आउट करेंगे और उनको पता चला कि उनकी टीम में एक मैम है जिनका नाम है अंजलि, जिनके थ्रू थोड़ा और पीवी आ सकता था लेकिन नहीं आया, राइट। क्योंकि अगर आपको विजय के बारे में पता है कि विजय मेरा पोटेंशियल लीडर है, तो विजय जी को भी तो अपने नेटवर्क में उन लोगों के बारे में पता होगा ना जिनसे बिजनेस उनको एक्सपेक्टेड है। हर व्यक्ति अपनी टीम में एक्सपेक्टेड लोगों को जानता है या जिन लोगों से बिजनेस आना होता है या आ सकता है उसके बारे में हर व्यक्ति को जो काम कर रहा है अपने नेटवर्क में उससे पता होता है। अब मान लीजिए वो कहते हैं सर अंजलि मैम ने करना था लेकिन उनकी तरफ से पीवी नहीं आया, नाउ व्हाट यू कैन डू? यू कैन कॉल अंजलि, आप उनको सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, आप उन्हें यू नो अप्रिशिएट कर सकते हैं कि अंजलि आई एम सिद्धार्थ और मैं विजय जी का अपलाइन बोल रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि अभी तक आप बहुत अच्छा काम करते आ रहे हो, बट आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि आपको कोई चैलेंज तो नहीं आ रहा काम करने में, या अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो प्लीज लेट मी नो, बिकॉज हमें पता है कि आपके अंदर बहुत क्षमता है और आप इससे भी काफी अच्छा काम कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको अंजलि को फोन करके ये नहीं बोलना कि तुमने काम क्यों नहीं किया या तुमने पीवी क्यों नहीं किया, आपने उनको ये बोलना है कि आपको कोई चैलेंज तो नहीं आ रहा, कोई सपोर्ट तो नहीं चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्टली आप यही जान रहे हो कि भाई पीवी क्यों नहीं आया। मान लीजिए अंजलि से आपने बात करी, अंजलि से बात करके आपको पता चला कि यू नो कि उनके घर में कोई बीमार है, किसी की तबीयत ठीक नहीं है जिस वजह से अभी वो थोड़ा काम नहीं कर पा रही है, तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि ठीक है अगर डोंट वरी, जब तक आपके घर में सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं और विजय मिलकर आपके टीम के साथ काम करेंगे अगले एक हफ्ते या 2 हफ्ते,
ताकि आपका बिजनेस हैम्पर ना हो, और प्लीज आप अपने घर में चीजों का ध्यान रखिए एंड डोंट वरी अबाउट बिजनेस फॉर नेक्स्ट 1 वीक या 2 वीक। तो इससे क्या होगा, वो एक व्यक्ति जिसको आप कॉल करके ये बोल रहे हो कि आपको हम सपोर्ट करने के लिए तैयार है, तो आई थिंक उसका जो बॉन्ड है, जो कनेक्ट है आपके साथ, और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीनों में आप उसको और अच्छा काम करते हुए देखेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर मान लीजिए विजय अंजलि से बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहा था और बिजनेस नहीं आया, और अगर हम ये चेक नहीं करते कि बिजनेस कहाँ से आना था जो कि नहीं आया, तो शायद ये बिजनेस आने वाले और 1-2 हफ्ते हैम्पर होता। लेकिन जब आपने सही समय पर आइडेंटिफाई कर लिया कि कहाँ से बिजनेस आना था जो कि नहीं आया, तो आई थिंक आप टाइमली एक्टिविटीज कर सकते हो, अंजलि की टीम में जो और बाकी लोग हैं उनके साथ टाइमली काम कर सकते हो ताकि बिजनेस हैम्पर ना हो आने वाले और 2 हफ्ते में, राइट। इसको बोलते हैं हम लोग क्राइसिस मैनेजमेंट, राइट, कि कोई क्राइसिस होने से पहले आप उसको मैनेज कर लेते हो, या क्राइसिस को आप अवॉइड करते हो, या किसी भी ऐसी सिचुएशन में जहां पे सामने वाला व्यक्ति किसी कारण से काम नहीं कर पा रहा या नहीं करना चाह रहा, तो आप उस रीजन को आइडेंटिफाई करके जो चैलेंज उसे फेस करने को मिल रहा है, आप सही समय पर लोगों के चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करके आप उन्हें सपोर्ट दे सकते हो। तो इसी तरीके से हम 21 तारीख में भी बात करेंगे, 28 तारीख में भी बात करेंगे, और वीकली क्लोजिंग करेंगे। ये सिर्फ एक झलक थी जो मैं आपको दिखाना चाहता था, बट फाइनली माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक ही बात कहूंगा कि हम इस महीने बहुत ही इफेक्टिव तरीके से वीक ऑन वीक, राइट, अपने बिजनेस को बिल्ड करें। मैंने आपको पूरा चार्ट नहीं समझाया क्योंकि समय का अभाव है, बट आपको वीक ऑन वीक अपने पोटेंशियल लीडर्स, पोटेंशियल डाउनलाइंस के साथ बिजनेस को बिल्ड करने की तैयारी करनी होती है, एंड आई एम श्योर कि आप कर सकते हैं। चैलेंजेस हर व्यक्ति को फेस करने को मिलते हैं, और हमारे एमडी सर ये बात बोलते हैं कि चैलेंजेस उन्हीं को फेस करने को मिलते हैं जो काम करते हैं। और एक बात और कही है एमडी सर ने, उन्होंने कहा है कि जितनी बड़ी आपके सामने चैलेंजेस होंगे उतनी बड़ी सफलता आपको मिलेगी। तो यहाँ पर आज मैं आपको एक और छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा। जैसे कि मैंने कल कहा था कि हम हर रोज दुनिया में, जो ग्लोब है, अराउंड द वर्ल्ड, किसी भी एक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ एक व्यक्ति के बारे में, और आई थिंक आप में से काफी लोगों ने इनके बारे में सुना होगा। ये वो व्यक्ति हैं जो कि एक एक्टर बनना चाहते थे, राइट। और जस्ट अ सेकेंड, ही वॉन्टेड टू बी एन एक्टर, लेकिन एक्टर बनने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश करी, बहुत प्रयास किया, लेकिन एक समय के बाद अपनी लाइफ में ये इतना ज्यादा ब्रोक हो गए, यानी कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हो गई कि अपनी वाइफ की ज्वेलरी तक इन्हें बेचनी पड़ी, राइट। उसके बाद चीजें बहुत खराब होती चली गई, ये एक समय में होमलेस हो गए, इनके पास घर नहीं था। एक व्यक्ति है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, मैंने नाम नहीं बताया उस व्यक्ति का अभी तक, लेकिन मैं नाम आपको आगे बताऊंगा। तो इन्होंने ये सड़क पे भी सोए, न्यूयॉर्क सिटी जो अमेरिका का एक जाना माना शहर है, लगभग 3 दिन ये ही स्लेप्ट ऑन द बस स्टेशन। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक समय ऐसा आया इनकी लाइफ में कि इन्होंने अपना जो पेट डॉग था वो भी लिकर स्टोर पे किसी एक स्ट्रेंजर को बेच दिया, सो दैट ही कैन गेट सम मनी अपने अपना सर्वाइवल के लिए, अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए। इनके पास अपने डॉग को, जो इनका पेट डॉग था, उसको खिलाने के लिए पैसा नहीं था, खाना खिलाने के लिए। सो इन्होंने अपने डॉग को $25 में बेच दिया, एंड ये कहते हैं कि वहां से ये बहुत रोते हुए चले गए, क्योंकि शायद ये इनकी लाइफ का सबसे ज्यादा, एक मैं कहूंगा, रॉक बॉटम था इनके हिसाब से। नाउ 2 हफ्ते बाद, क्योंकि इनकी कंडीशन काफी खराब थी, इन्होंने एक बॉक्सिंग मैच देखा, मोहम्मद अली, उस समय के जाने माने बॉक्सर थे, और एक और बहुत अच्छे बॉक्सर थे जिनका नाम था चक वेपना। और इस मैच को देखकर इनको एक इंस्पिरेशन मिली, और इन्होंने एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी, एक मूवी की स्क्रिप्ट लिखी, जिस स्क्रिप्ट को इन्होंने नाम दिया रॉकी, राइट। अभी तक शायद आप में से बहुत से लोग पहचान गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो इन्होंने स्क्रिप्ट लिखी, और उसके बाद स्क्रिप्ट को इन्होंने लगभग 20 घंटे तक लगातार लिखा, 20 घंटे तक स्क्रिप्ट लिखी, और उसके बाद ही अपनी स्क्रिप्ट जितने भी डायरेक्टर्स थे उस समय के, आर्टिस्ट थे अमेरिका में, उनके पास लेकर जाने लगे अपनी लिस्ट।
अपनी ये स्क्रिप्ट। और एक डायरेक्टर था जिसने इनको ऑफर दिया, काफी अच्छा अमाउंट का ऑफर दिया, 125,000 डॉलर्स। लेकिन इनकी सिर्फ एक रिक्वेस्ट थी, इन्होंने कहा ठीक है मैं आपकी ऑफर तो एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मूवी में स्टार मैं बनूंगा, मैं मेन एक्टर बनना चाहता हूँ। लेकिन जो स्टूडियो था उसने मना कर दिया, उसने कहा कि नहीं यार हमें तो रियल स्टार चाहिए, आप स्टार नहीं बन सकते, आपने कभी कोई फिल्म नहीं करी और यू नो आप तो बड़े अजीब से फनी लुक है आपकी, आप बात भी जब करते हो तो तब भी फनी लगते हो, ये उनको कहा गया। एंड देन उनको कहा कि आप अपनी स्क्रिप्ट लेके जा सकते हो, क्योंकि इनकी रिक्वेस्ट सिर्फ एक थी कि मैं खुद हीरो बनना चाहता हूँ इस फिल्म में, राइट। कुछ हफ्तों बाद दोबारा एक अलग स्टूडियो ने इनको लगभग यू नो 250,000 डॉलर्स, एक काफी बड़ा अमाउंट ऑफर किया, और देन ही रिफ्यूज बिकॉज इन्होंने कहा कि मेरे को साथ में एक्टर भी बनना है, लीड एक्टर मैं ही बनूंगा। फिर उनको लगभग यू नो 350,000 डॉलर्स ऑफर किए गए, और फिर कहा गया कि यार आप स्क्रिप्ट दे दो, आपको इतना पैसा हम दे देंगे लेकिन हीरो नहीं बनोगे आप। ही स्टिल रिफ्यूज। और ऐसे करते हुए कई लोगों के पास ही अपनी स्क्रिप्ट लेके गए, बड़े से बड़ा अमाउंट इनको ऑफर किया गया लेकिन इन्होंने हर बार मना कर दिया। लेकिन हालांकि इनकी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, अगर चाहते ये तो शायद यू नो वो स्क्रिप्ट बेच सकते थे, लेकिन इन्होंने अपनी स्क्रिप्ट नहीं बेची बिकॉज इनके पास एक पर्पस था, एक स्ट्रांग पर्पस, यू नो। और पर्पस अगर होता है तो शायद वो किसी भी चीज से बहुत बड़ा होता है। मूविंग फॉरवर्ड दे वॉन्टेड हिज मूवी बट नॉट हिम, वो उन्हें नहीं चाहते थे, उनकी मूवी चाहते थे। एंड देन एट द एंड एक स्टूडियो था जो अग्री कर गया और उनको $35,000। अब आप देखिए कहाँ 3,000 यू नो 350,000 डॉलर्स और कहाँ सिर्फ $35,000। तो $35,000 का ऑफर उन्हें मिला जो कि ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, और लेकिन उनको साथ में एक्टर बनने का भी ऑफर मिला, और उन्होंने अपनी ही स्क्रिप्ट जो लिखी थी उसमें लीड एक्टर के तौर पे काम किया। एंड देन द रेस्ट इज हिस्ट्री। और वो जो मूवी थी उनकी, जो पहली मूवी थी, वो बेस्ट पिक्चर बनी उस समय की, बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग, बेस्ट फिल्म एडिटिंग, और ऑस्कर अवार्ड्स में यू नो उनको नॉमिनेट किया गया, ऑस्कर अवार्ड मिला, एंड ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट एक्टर, राइट। एंड बिलीव इट नॉट, उस व्यक्ति ने यू नो जब पैसा आया उनके पास, जो डॉग उन्होंने बेचा था एक व्यक्ति को $25 में, जब उस व्यक्ति के पास गए उन्होंने कहा मेरा डॉग वापस कर दो, तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं नहीं करूंगा, तो इन्होंने उस व्यक्ति को $100 दिए, वो व्यक्ति नहीं माना और वो व्यक्ति और ज्यादा डिमांड करने लगा, तो $15,000 में इन्होंने अपना डॉग वापस लिया, अपना जो पेट था उसे वापस उस व्यक्ति से खरीदा। और मैं कहूंगा कि अभी तक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवी स्टार्स जो इस दुनिया में हुए हैं, या जो शायद हु हैज एवर वॉक्ड द फेस ऑफ दिस अर्थ, मैं बात कर रहा हूँ रॉकी बैल्बोआ। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इनका नाम जानते हैं, बट ही इज अ वेरी इंस्पायरिंग पर्सन, एंड इनकी कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है, और ये इनकी रियल स्टोरी है जो मैंने आपको बताई अभी। एंड यू नो रॉकी बैल्बोआ, जिनका असली नाम है सिल्वेस्टर स्टैलिन। तो यहाँ पर ये स्टोरी हमको क्या सिखाती है, स्टोरी हमको यही सिखाती है कि अगर हम अपने पर्पस को लेकर बहुत डिटर्मिंड हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारे को चैलेंजेस नहीं आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन कोई भी चैलेंज आपको हिला नहीं सकता, आपको डिगा नहीं सकता, अगर आप अपने पर्पस को लेकर या जो भी आप अचीव करना चाहते हैं अगर आप उस राह पर चलते रहेंगे, तो आज नहीं तो कल निश्चित तौर पर सफलता कामयाबी आपको मिलेगी ही मिलेगी। एंड विद दैट थैंक यू वेरी मच। मैंने कॉमेंट बॉक्स चैट बॉक्स खोल लिया है आपके लिए, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा आप अपना चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, एंड यू कैन लेट मी नो so that again we can have a next session tomorrow in the morning. So thank you my dear friends, wish you wealth, take care, God bless you all, and kal hum log milenge ek naye topic ke sath, tab tak ke liye apna dhyan rakhiye, and let's keep meeting every day, keep learning, keep earning, keep growing. Thank you, take care, God bless you all, goodbye, see you tomorrow, thank you.